बिस्मिल्स मैं प्रीवियस सेशन लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किए थे मैथड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स उसी को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो याद रखियेगा शुरू कर रहे हैं इसको बोर्ड पे जी स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एनिमल्स आर हेट्रोच्रॉफ्ट इस वजह से हम इसको खाली मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लिख देते हैं मुख्तफ इकसाम के जानदार बहुत ज्यादा वेराइटी रखते हैं अपनी बॉडीज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट अगर हम देखें तो इट इज द सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर यूकेरिया अमेबा और फिर अगर कंप्लेक्सिटी देखें तो हमारे पास जमीन के ऊपर एलिफेंट्स मौजूद हैं और पानी के अंदर हमारे पास वेल्स मौजूद हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो इन तमाम डिफरेंट वैराइटीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं तो यहां पे हम स्टार्ट अभी जो लेंगे दैट इज फ्रॉम द फ्रेश वाटर मसल और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज नोन एज फिल्टर फीडिंग ओके दिस इज फिल्टर फीडिंग जी स्टूडेंट्स दिस टर्म इज डाइव फ्रॉम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक और फिल्ट्रेशन टेक्निक में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं पानी से इंप्योरिटीज को अलहदा करने के लिए सिंपल फिल्टर पेपर्स यूज किए जाते हैं या एडवांस लैब्स में जाएं तो हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं यही चीज नेचुरल मेकेनिज्म में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन फ्रेश वाटर मसल ओके Now for this, structures of all I will the structures here, which you The first one is Inhalant Siphon. Okay. The second one is Mouth. The third one are Ciliary Linings. The fourth one is Digestive System. एंड द फिफ्थ वन इज एक्सेंट साइफिन और फिर उसके बाद anus. All right students? बी दबे सबके सब words मैंने यहां pe क्यों लिखे हैं इस वजह से कि अगर short question में पूछा जाए तो आपका focus inhi terms के ऊपर रहना चाहिए अब मैं इसको explain कर रहा hu आपके लिए अब देखें सबसे पहले नंबर पे तो आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रेश वॉटर मसल है क्या ओके इट इज a वेल्व मुलस्क जिसकी बॉडी दो शेल्स पे मुश्तम होती है इसके एक लोअर शेल होता है और एक इसके ऊपर अपर शेल मौजूद होगा उसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल मौजूद होता है अब right? अब ये जो एनिमल है अब अपने शेल से बाहर नहीं निकल सकता खुराक को बाहर निकल के ग्रैब नहीं कर सकता और कैप्चरिंग मैकेनिज्म इसके पास कोई मोबाइल किस्म का मौजूद नहीं है इसके लिए अल्लाह ताला ने इसको एक और खसूसियत दे दी है और वो खसूसियत क्या है स्टूडेंट्स याद रखिएगा सबसे पहली टर्म हमने यहां पे मेंशन की है इनहेलेंट साइफन ओके अब इस इनहेलेंट साइफन के जरिए क्या किया जाएगा इनहेल किया जाएगा और चूंकि ये एनवायरनमेंट में मौजूद है तो पानी को विदड्रॉ करेंगे छोटे छोटे सिलियरी मूवमेंट्स ओके बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूं सिलिया वॉटर करेंट्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से पानी को बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और पानी अलॉन्ग फूड पार्टिकल्स एंड स्मोलर प्रोटोजोर इट एंटर थ्रू द इनहेल अब क्या होगा जैसी पानी यहां से दाखिल होगा उसके बाद इसने अपना रेस्पायरेशन का अमल भी करना है।, करनी है जिसके लिए इसके पास दो बड़े गिल्स मौजूद है और गिल्स के ऊपर भी लाइनिंग मौजूद है जिनके ऊपर फर्दर सिलिया मौजूद है अब क्या होता है कि जैसे ये पानी विद द फूड पार्टिकल्स इट विल फ्लो ऑन द ग्स तो क्या किया जाएगा उन गिल्स के ऊपर जो सिलिया है वो इन फूड पार्टिकल्स को रोकना शुरू कर देंगे जैसे ये फूड पार्टिकल्स रुकते जाएंगे पानी बाहर चला गया और फूड पार्टिकल्स अंदर रह गए तो यहीं पे फिल्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है दैट्स दिस टाइप ऑफ ऑफ मेथड न्यूट्रिशन इज फिल्टर फीडिंग ओके अब क्या होगा ये फूड पार्टिकल सारे के सारे नीचे की तरफ मूव किए जाएंगे टूवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम लेकिन इनको मूव करने के लिए एक और हेल्पिंग मॉलिक्यूल चाहिए म्यूकस स्ट्रिंग ओके ये बड़ी जबरदस्त चीज है जो मैं अभी आपको बताने लगा। कि यहां पे ऐसा नहीं होता कि बस पार्टिकल्स खुद से मूव करना शुरू हो जाए पानी के साथ आए थे तो ये भी चांस है कि शायद पानी के साथ ही बाहर ना चले जाएं। इस वजह से इनको ट्रैप करने के लिए एक और नेचुरल एडाप्टेशन इनके अंदर मौजूद है और वो एडाप्टेशन क्या है कि दे कंटेन द सिक्रिटरी सेल्स विच आर प्रोड्यूसिंग म्यूकस अब म्यूकस पैदा होती रहेगी फूड पार्टिकल्स उसमें जाके अटक शुरू हो जाएंगे और फिर क्या होगा उस सारी की सारी म्यूकस स्ट्रिंग को फर्दर पास ऑन कर दिया जाएगा टू द माउथ ओके जैसे ही मुंह के अंदर जाएंगे तो इसका मतलब है अब डाइजेशन का काम शुरू हो जाएगा और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिंपल ट्यूब लाइक इंटेस्टाइन मौजूद हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करेंगी और फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो यहां से इजेशन के जरिए खारिज होंगे दे विल बी एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस ऑलराइट ये डिफरेंस मैं पहले भी बता चुका हूं मैं अब रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में से अनस्टेड फूड प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं तो और का अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेंट साइफन का यहां पे क्या रोल था तो एक्सन साइफन बिल्कुल इसी तरह से जैसे इनहेलन साइफन ने पानी और वाटर मॉलिक्यूल्स और उनके साथ फूड पार्टिकल्स इनको एंटर करवाया है एक्सहेलन साइफन के जरिए इजाफी पानी और वो पार्टिकल्स जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं थी दैट वॉज एंटर्ड थ्रू द इनहेल उसको वहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा दिस इज द सिंपलेस्ट फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म दैट हैज बीन ऑब्जर्व इन फ्रेश वाटर मसल एंड दिस इज योर शॉर्ट क्वेश्चन ओके स्टूडेंट्स देन सेकेंड टाइप की तरफ आ जाए तो वी हैव वेल्स जी स्टूडेंट्स द बिगेस्ट वर्टिब्रेट्स ऑन दिस प्लेनेट लेकिन पाए कहां पे जा रहे हैं ये इन साइड द वॉटर ओके अब एक्वेटिक हैं और स्ट्रिक्टली मेरीन हैं फ्रेश वाटर में बहुत कम देखने को मिलते हैं अब ये जो वेल्स हैं इनके अंदर भी स्टूडेंट्स यही मैकेनिज्म पाया जाता है और इसके लिए मैं एक और मिसाल आपको देता हूं एक छोटा सा श्रिम्प लाइक एनिमल पाया जाता है पानी के अंदर जिसको बोलते हैं क्रिल ओके okay? अब वो क्रिल जो है बिलियंस की तादाद में रिप्रोड्यूस करते हैं और बाजुकात इतने ज्यादा रिप्रोड्यूस कर जाते हैं कि पानी का कलर ही चेंज हो जाता है उनकी आबादी की वजह से अब क्या होता है कि इनका खत्म करना भी जरूरी है जिसकी वजह से नेचर ने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है और वो बैलेंस किस तरह से मेंटेन किया हुआ है वेल्स अपना मुंह खोलती हैं और उसके बाद इस बहुत सारे ऑलमोस्ट दो टन के करीब क्रिल को इनहेल करती हैं इनटेक करती हैं इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर क्या होता है Krill, नाम के एनिमल्स वो उसकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं पानी को गिल्स से बाहर निकाल दिया जाता है दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टर फीडिंग और इसमें क्या किया जा रहा है पानी के साथ जो फूड एंटर हुआ बॉडी के अंदर फूड को तो रख लिया गया और पानी को बॉडी से खारिज कर दिया गया सो दिस इज एनदर एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर फीडिंग तो ये याद रखिएगा दो मिसालें हैं और आपका एक कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन है द नेक्स्ट वन आर फ्लूड फीडर्स जी स्टूडेंट्स फ्लूड फीडर्स इनके नाम से पता चल जाना चाहिए लिक्विड फॉर्म में खुराक को इनटेक करने वाले और यहां पे मैं दो बहुत मशहूर मिसालें आपके साथ शेयर करने लगा हूं द फर्स्ट वन आर मॉस्किटोज ऑल राइट और फिर द सेकेंड वन आर एफिड्स जी इन दोनों इंसेक्ट्स को आप पहले से जानते होंगे अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा अभी तक जो सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड की गई मलेरिया। और मलेरिया का जो एजेंट है फीमेल इनऑफ मॉस्किटो अब देखें जो फीमेल मॉस्किटोज हैं, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है इस सेंस में कि जैसे ही ये इंजेक्ट करने के लिए आएंगी अपनी खुराक की जरूरत को पूरा करने के लिए तो उसके साथ ही साथ इंजेक्ट कर देंगे इन टू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूम अब गौर करें अगर तो यहां पर हमें इस वीडियो के अंदर ये पता चल रहा है कि जैसे मॉस्किटो इंजेक्ट कर रहा है तो इट है माउथ ओके सिक्स नीडल्स होती हैं इसके एक स्टाइलेट के अंदर अब इन सिक्स नीडल्स में से एक पेयर बड़ा जबरदस्त है और बिल्कुल इसी तरह जैसे हम ब्लेड की मदद से किसी चीज को बारीक सा कट लगाते हैं इसके पास इस तरह के इनसाइजिंग स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि छोटा सा एक कट लगाते हैं हमारी स्किन के ऊपर और उसके बाद फिर ये अपनी नीडल को इंजेक्ट कर देता है इन टू ओके अब जैसे ही ये इंजेक्ट करेगा उसके बाद इसने क्या करना है अपनी खुराक की जरूरत पूरा करने के लिए ब्लड को सक करना शुरू हो जाएगा अब ये जो सक्शन टेक्निक चल रही है इसमें ऑब्वियस सी बात है द ब्लड इज इन लिक्विड फॉर्म तो इस वजह से इनको हम कह रहे हैं दीज आर फ्लूड फीडर्स ओके

इसकी वजह से पौधा आगाज में कमजोर होता है और अल्टीमेटली समटाइम्स उसकी डेथ भी हो जाती है दे right, so the as well as the आर on फीडर्स बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन as द एनिमल्स एज वेल एज is the third ग्रुप और इस ग्रुप को हम कहते हैं दे आर मेक्रो फेगस फीडर्स ऑल राइट वट आर मैक्रो फेगस फीडर्स अब स्टूडेंट्स इसके लिए इस टर्म को समझ लें मैक्रो बड़ा फेगी निगल के खाने वाला ऑल राइट अब यह याद रखिएगा कि एक बहुत अहम बात है यहां पर द मैक्रोफेगस फीडर्स देखेंशिएटेड इन टू थ्री मेजर ग्रुप्स ओके द फर्स्ट वन आर Tentacular feeders or this mode of nutrition, we call te Tentacular Feeding. The second one, Scrappers and their mode of nutrition is called Scrapping. Okay. And the third one is very simple. This is known as Seizing and Engulfing. Yes. तीन हिस्सों में मैंने इसको तकसीम कर दिया स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है तेनटेक्यूलर फीडिंग के लिए द टेंटिकल्स okay? के लिहाज से द फेमस वन हाइड्रा एंड जेलीफिश जी स्टूडेंट्स हाइड्रा और जेलीफिश के पास मखसूस किस्म के स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं अब क्या होता है कि जैसे ही कोई भी इनका प्रे कोई शिकार या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म आके इनके टेंटिकल्स के साथ टच होता है तो इनके स्टिंगिंग सेल्स फोरन ट्रिगर हो जाते हैं और वो क्या करते हैं वेनमस इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं डंग मार देते हैं अपने प्रे को अब क्या होगा उसके बाद वो टेंटिकल्स उसको उठा के अपनी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के, के अंदर ले जाते हैं जहां पे उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का अमल मुकम्मल कर दिया जाता है टाइप ऑफ फीडिंग इज नॉन एज टेंटेक्यूलर फीडिंग फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप की फीडिंग है that is known as okay? अब के लिए हमारे पास जो एनिमल है, that is snail. Especially, इसका है और एक मेबर है ऑफ द स्पीशी एस्पेरा ओके गार्डन स्नेल जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स अब ये जो गार्डन स्नेल है इसके पास जबरदस्त किस्म की दो एडाप्टेशन मौजूद है अब क्या एडाप्टेशन मौजूद हैं यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप गौर करें तो ये स्नेल इस लीफ के करीब आता है और आने के बाद क्या करता है अपने लिप्स के अंदर उस लीफ को ग्रैब कर लेता है जैसे ही इस लीफ को इसने पकड़ा उसके बाद इसके पास एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज रेड्यूला जुबान जो है उसके ऊपर काइटिन के बने हुए दांत मौजूद होते हैं और उसको हम बोलते हैं रेड्यूला रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर अब क्या होगा लिप्स लीफ को पकड़ेंगे और जुबान आहिस्ता आहिस्ता से उसको कुरेदना और खुरचना शुरू हो जाएगी इसके इस खुरचने के अमल को हम कहते हैं स्क्रैपिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फिर क्या होता है उस पत्ते को आहिस्ता आहिस्ता चंक बाय चंक एनगल्फ कर लिया जाता है और अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा कर दिया जाता है क्योंकि बड़े टुकड़ों की फॉर्म में खुराक को खाया जा रहा है तो इस वजह से इसको कहते हैं मैक्रोफेगी ऑलराइट देन इज द थर्ड टाइप सीजिंग एंड एनगल्फिंग इसके लिए बहुत ज्यादा क्विक फिश एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है इज़ स्पॉटेड डॉग फिश जी स्टूडेंट्स स्पॉटेड डॉग फिश इज फेमस फॉर इट्स जॉज अपने जबड़ों की वजह से ये बहुत ज्यादा मशहूर है ऑल राइट right? अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि जैसे ही इसके करीब से इसका कोई शिकार गुजरता है तो ये फौरन ऐसी स्ट्रॉन्ग किस्म की बाइट ले लेती है कि वो शिकार फौरी तौर पे इमोबिलाईज कर दिया जाता है हरकत करने के काबिल भी नहीं रहता मुकम्मल तौर पे जकड़ लिया जाता है दांतों के शिकंजे में फिर क्या होगा उसके बाद ये उसके टुकड़े काट काट के उसको एनगल्फ करना शुरू हो जाता है दैट्स वाई इट इज नोन एज सीजिंग एंड एनगल्फिंग नेक्स्ट इज पेरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स Parasitic mode of nutrition. जी स्टूडेंट्स इस टॉपिक की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एक या दो मरतबा ये बोर्ड में रिपीट हुआ है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा इसको याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन साथ ही तैयार हो जाएगा ओके सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं What is a parasite? The animal you can have animals could specify that harms its host to get benefit for its. न्यूट्रिशनल नीड्स स्टूडेंट्स अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है कि वो जानदार जो अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे और खुद उससे फायदा उठाएंगे दे आर नोन एज पैरासाइट ओके सिंपली द पेरासाइट कैन बी फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इन टू two different types of categories, okay? And I am dividing them Parasites. Decken students, the first division, it will be ectoparasites and endoparasites. जी स्टूडेंट्स अब इन टर्म्स से आपको फौरन समझ आ जानी चाहिए कि वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे दे आर एक्टोपैरासाइट्स और वो पैरासाइट्स जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स ओके अब इनको हम डिफाइन करते हैं और साथ ही इनकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट इनफ्लिक्ट देयर होस्ट बाय लिविंग ऑन देअर बॉडीज और राइट दे आर एक्टोपेरासाइट्स और इन एक्टोपेरासाइट्स की एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है लाइस टेक्स माइट्स फ्लीज एंड लीचे जी स्टूडेंट्स स्पेशली छोटे स्कूल गोइंग बच्चों के सर के अंदर जुएं और लीखें वगैरह अटैक कर देती हैं तो ये जो टिक्स और माइट्स हैं ये इस तरह से अटैक करेंगी और उसके बाद स्किन में से क्या करती हैं ब्लड सक करना शुरू कर देती हैं जिसकी वजह से होस्ट बीमार पड़ जाता है ओके दूसरी तरफ ये जो पिस्सू वगैरा और फ्लीज वगैरा है ये क्या करते हैं दूसरे एनिमल्स देर आर अदर देन ह्यूम उनकी बॉडी के ऊपर आके रहना शुरू हो जाते हैं और क्या करते हैं वहां पे खास किस्म के कोएगुलेंट्स इंजेक्ट करते हैं और मुसलसल इनटेक करते रहते हैं वहां से ब्लड को थ्रू द ब्लड वेसल्स ओके अब क्या होता है चूंकि बॉडी से बाहर हैं, दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं दे आर एक्टोपेरासाइड ओके दूसरी तरफ एंडोपेरासाइड्स को डिफाइन करते हैं Those organisms that infect their host by living inside the bodies. All right, they are known as endoparasites. और एंडोपेरासाइट्स के लिए जनरल एग्जाम्पल्स अगेन चूंकि आपके एज के लिहाज से और आपसे कम उम्र बच्चों की मिसाल ले रहा हूं यहां पर तो इस वजह से मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा द फर्स्ट वन इज एंट अमेबा हिस्टो लेटिका राउंड वर्म्स Pinworms and hookworms. जी अब ये जो तमाम के तमाम एनिमल्स जिनका मैंने जिक्र किया है ये क्या करते हैं अपने होस्ट की बॉडी के अंदर स्पेशली उनके डाइजेस्टिव सिस्टम तक चले जाते हैं और उसके बाद वहां पे उन्हीं का खाया हुआ खाना जो कि पहले से हजम है वो खाते रहते हैं और साथ ही साथ ये वर्म्स की बात कर रहा हूं मैं के वर्म्स वो खाना खाते रहेंगे और फिर खास किस्म के केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में मुख्तलिफ बीमारियां राइट इसके लिए मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि पीने का पानी खासतौर पे स्टूडेंट्स इसका जरूर ख्याल रखें इट शुड बी क्लीन और अगर बॉयल कर लिया जाए तो और बहुत ज्यादा बेहतरियां हो सकती हैं और राइट दिस इज अ जनरल समरी फॉर द एक्टोपेरासाइट्स एंड एंडोपेरासाइट फिर उसके बाद एक और डिविजन हम पेरासाइट्स की बना रहे हैं दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पेरासाइट्स जी स्टूडेंट्स इसके लिए मैं वन वर्ड डेफिनेशन मेंशन करने लगा हूं यहां पे जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट पहले से बेहतर हो जाएगा अब्लिगेट पेरासाइट्स आर होस्ट डिपेंडेंट और राइट एंड फैकल्टेटेड पेरासाइट्स आर होस्ट इंडिपेंडेंट जी तो इन दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है याद रखिएगा स्टूडेंट्स पहले वाले में में ऑब्लिगेट मैंने किया है दीज आर होस्ट डिपेंडेंट इसका क्या मतलब है टू कंप्लीट देर लाइफ ओके इनको एक स्पेसिफिक जानदार चाहिए जिसके बगैर इनका लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं हो सकता ईदर दे देयर सेक्सुअल फेज और ए सेक्सुअल फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल इन अ लिविंग होस्ट ओके दूसरी तरफ जो हमारे पास है

मार्क्स क्वेश्चन ऑलराइट इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक